दोस्तों, जैसे हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में एंटर करते हैं, हमें कई सारे कॉम्प्लिकेटेड नाम सुनाई देते हैं। ब्लू-चिप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप कंपनीज, ऐसे कई तरह के टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है। इनमें से एक टर्म है पेनी स्टॉक्स, जिसका नाम हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये स्टॉक्स क्या है, इनकी कैटेगरी क्या है और इसे क्यों पेनी स्टॉक या नैनो स्टॉक्स कहा जाता है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं हूँ आपके साथ इंदु चौधरी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पेनी स्टॉक्स आखिर होते क्या है। ऐसी स्टॉक्स जिनकी कीमत 10 रुपए या उससे कम की होती है, तो उसे हम पेनी स्टॉक्स के नाम से बुलाते हैं। इन शेयरों को नैनो स्टॉक भी कहा जाता है या फिर माइक्रो स्टॉक्स भी कहा जाता है। तो नाम कई सारे हैं मार्केट में पेनी स्टॉक्स के, लेकिन आपको समझना ये है कि ऐसे स्टॉक्स जिनकी कीमत बहुत कम है, 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, इस तरह की कीमतों पे जो अवेलेबल है मार्केट में, इन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। और इन शेयरों की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कम होती है, इसलिए ऐसे शेयरों को पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। इन शेयरों में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और रिटर्न भी कई बार लोग कमाते हैं। तो कई सारे ट्रेडर्स हैं जो पेनी स्टॉक में ट्रेड करते हैं और उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जहां हायर रिटर्न है वहां हायर रिस्क भी है। और पेनी स्टॉक की सबसे बड़ी यही खासियत है कि यहां रिटर्न अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो रिस्क के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। शॉर्ट टर्म में अगर कोई ट्रेडर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो कई बार वो पेनी स्टॉक्स को चूज करते हैं। तो आपके दिमाग में अब ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अब क्या पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो पेनी स्टॉक्स खरीदते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए और उसके बाद ही आप अपना फैसला लें, जिसमें सबसे बड़ी बात ये कि ये स्टॉक पेनी स्टॉक क्यों बना है, इसके पीछे रीजन क्या है। कंपनी चाहे कोई भी हो, हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल वोडाफोन आइडिया का ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और अभी भी कई सारे ऐसे निवेशक हैं, ट्रेडर्स हैं मार्केट में मौजूद, जिन्हें लगता है कि ये कंपनी आगे चलकर अच्छा इम्प्रूव करेगी। अभी फिलहाल चुनौतियां हैं कंपनी के सामने बहुत सारी, लेकिन आने वाले समय में इनकी जो स्टॉक है उसका प्रदर्शन सुधरेगा। एक समय में वोडाफोन आइडिया एक बड़ा स्टॉक हुआ करता था, लेकिन आज ये पेनी स्टॉक बन गया है। अगर आप भाव देखें तो 5-6 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो कंपनी ने, वोडाफोन आइडिया ने जो चुनौतियां फेस की और जो डेट का बर्डन है और तरह तरह के जो इश्यूज हैं कंपनी से जुड़े हुए, इन सभी रीजंस की वजह से ये पेनी स्टॉक बन गया। ऐसे ही मार्केट में कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनके भाव कम है, तो आपको ये पता लगाना है कि आखिर ये स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में क्यों है, क्या है इसके पीछे वजह। दूसरी बात, पेनी स्टॉक्स चुनते वक्त आप ये जरूर देखिए कि इस कंपनी की ग्रोथ कैसी रह सकती है, प्रॉफिट कैसा कमा रही है कंपनी, बाइंग एंड सेलिंग के वॉल्यूम्स कितने हैं और नियर फ्यूचर में जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है, क्या उसमें ग्रोथ की संभावनाएं हैं। तो इन सब बातों को आप जरूर देखिए। जैसे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, एक कंपनी को देखते हैं, या फिर हम आईपीओ में निवेश करते हैं तो किसी कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी का ग्रोथ क्या है, मुनाफा क्या है, पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है, आने वाले समय में किस तरह ग्रोथ देखने को मिल सकता है। उसी तरह का वैल्यूएशन आपको पेनी स्टॉक में भी करना चाहिए। पेनी स्टॉक को समझिए कि आखिर इस स्टॉक में कितनी संभावनाएं हैं कि अगर आप अपना पैसा यहाँ लगाते हैं तो आपको मोटा रिटर्न मिल सकता है, वो भी शॉर्ट टर्म में। तीसरी बात, आपको ये देखना जरूरी है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, क्या उन्होंने शेयर को गिरवी तो नहीं रखा है। तो प्रमोटर से जुड़े सभी जानकारियों को समझें। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लीगल इश्यूज भी होते हैं कंपनी के, प्रमोटर्स के ऊपर भी कुछ केसेस चलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी कंपनी पर, स्टॉक पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, थिंक प्रैक्टिकली नॉट इमोशनली। कई सारे ऐसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी भी कंपनी या स्टॉक्स के साथ इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और इनमें इनका लॉस भी कई बार हो जाता है। जैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि वोडाफोन का स्टॉक 100 रुपए पर था और अब वो 10 रुपए पर आ गया है या 5 रुपए पर आ गया है, लेकिन अभी इससे ज्यादा और नीचे नहीं गिर सकता है, अभी ये स्टॉक आगे ही बढ़ेगा, तो ये एक गलत अप्रोच होता है ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का। अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पर था और फिसल कर 10 में आ गया है, तो वो स्टॉक आगे 10 रुपए से फिसल कर 2 रुपए पर भी पहुंच सकता है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि जब आप अपनी मेहनत की कमाई उस स्टॉक में लगा रहे हैं, तो क्या उस कंपनी की, उस स्टॉक की इतनी वर्थ है,
उसे पहले समझें और उसके बाद ही इस स्टॉक में ट्रेड करें। तो फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ा फीचर्स पेनी स्टॉक का यही होता है कि इनकी कीमत कम होती है, मतलब आप बहुत छोटे अमाउंट से भी इन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, इनमें ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा फीचर ये कि इनका वॉल्यूम कम होता है, साथ ही लिक्विडिटी भी कम होती है। तो अगर आप कोई पेनी स्टॉक को खरीद लेते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आपने जिस प्राइस पर उसे खरीदा है आपको उस प्राइस पर आपका सेलर मिलेगा या नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है कि किस स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं, उसका वॉल्यूम कितना है, मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है। ये फीचर पेनी स्टॉक्स को चूज करते वक्त जरूर देखना चाहिए। हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि इन स्टॉक्स में काफी अच्छा रिटर्न कई सारे ट्रेडर्स ने कमाया है, कई लोगों ने कमाया है, लेकिन जहां ये स्टॉक्स एक बार में किसी ट्रेडर को राजा बना देते हैं तो वहीं दूसरी तरफ रंक भी बना देते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारा मुनाफा कमा लेते हैं लेकिन कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है जब मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाता है या फिर काफी वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में, तो इस उतार चढ़ाव के दौरान कई सारे लोग अपना पैसा भी गंवा देते हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, अगर आपके पास रिस्क उठाने की क्षमता है तो ही पेनी स्टॉक्स को चुनना चाहिए। पहली बात, अपना सारा पैसा किसी एक पेनी स्टॉक में ना लगाएं। अगर आपको पेनी स्टॉक्स भी चुनने हैं तो आप अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग कंपनीज जो मार्केट में अवेलेबल है उनमें से कुछ कुछ स्टॉक्स को ही चुनें और फिर उनमें पैसा लगाएं। तो यहाँ भी डाइवर्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसे आप अप्लाई करें। दूसरी बात, पेनी स्टॉक में ट्रेड करते वक्त टाइम की इम्पोर्टेंस को समझें। अगर आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है और आपका टारगेट है कि आपको इस लेवल पर इस स्टॉक से निकल जाना है तो आप उस लेवल तक ही इन्वेस्ट करें और उसके बाद निकल जाए, क्योंकि जैसा हमने बताया कि इन स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप ये सोचते रहेंगे कि थोड़ा मैं और वेट कर सकता हूँ या फिर मैं कल इसे बेच देता हूँ, आज नहीं बेचता हूँ तो कल थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, इस तरह के फैसले लेने से बचें। अगर आपने 5 रुपए का स्टॉक लिया था और 8 रुपए आपका टारगेट प्राइस था और अगर उस शेयर ने 8 रुपए का प्राइस टच कर लिया है तो आपको तुरंत एग्जिट कर जाना चाहिए। इस उम्मीद में बिल्कुल मत बैठे रहिए कि स्टॉक 8 से अब 15 या 20 के लेवल पर पहुंचेगा, तो आप सही टाइम में अपने पोजीशंस को लें और उनसे बाहर निकलें। तीसरी बात, चाहे आप पेनी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप कोई ब्लू चिप कंपनी खरीद रही हो, आप किसी भी दोस्त या एडवाइजर की बात सुन सकते हैं, उनके एडवाइस ले भी सकते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए क्योंकि आप अपना पैसा निवेश करने वाले हैं। तो ऐसे में आपकी रिसर्च ही आपके काम आने वाली है। तो किसी भी शेयर में पैसा लगाते वक्त आप जरूर देखें कि कंपनी क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का और नियर फ्यूचर आउटलुक कैसा रह सकता है, उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन पेनी स्टॉक से जुड़ी हुई, लेकिन हम एक बार फिर से आपको ये सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप लंबे समय में स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को और एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो वैसे में आप लार्ज कैप स्टॉक्स चुने, अच्छे स्टॉक्स चुने जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, अर्निंग्स अच्छे रहे हैं और जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेनी स्टॉक्स में अगर आप पैसा लगाते रहेंगे तो आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा मुनाफा जरूर कमा सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में एक मजबूत पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको पेनी स्टॉक्स का मतलब क्लियर हुआ होगा और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आखिर पेनी स्टॉक्स में आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए, इस तरह के कुछ और वीडियोस को देखने के लिए, स्टॉक मार्केट को और अच्छे से समझने के लिए आप पाई पैसा के साथ बने रहिए। हमारा मकसद है आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को इजी एंड रिवॉर्डिंग बनाने का, सो स्टे ट्यून्ड। फाइव पैसा के साथ निवेश और ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए फाइव पैसा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। फाइव पैसा के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.